डॉक्टर नाइला, हमें ये बताइए कि हमें पता है कि हम ये जो तीन चीज़ें हैं ना, आर्ट, म्यूजिक और बुक्स, जी हम इससे बहुत थोड़ा दूर हो गए हैं, तो आप क्या इसका मुस्तकबिल क्या देखती हैं आप? जब तक इंसान रहेगा उसके शौक रंगों से और तस्वीर बनाने से रहेंगे, उसमें कोई नहीं, हमारा मीडियम बदल सकता है, हो सकता है कि अब पेंट्स ट्यूब से ना निकलें, हम टैब पे ही कर रहे हों, आपको पता है टैब डिजिटल पेंटिंग कितनी ज़्यादा आ गई, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमेज मेकिंग इज़ गोइंग एनीवेयर, वो तो बल्कि चलती ही रहेगी। बुक्स का यस, हैविंग टू गो आउट एंड बाय बुक्स एंड रीड बुक्स कम हो गया, क्योंकि वो ठहराव जिंदगी में कम हो गया है, मगर उसका अगर आप पॉजिटिव साइड देखिए तो आपके पास सारे आर्टिकल्स और बुक्स अब इंटरनेट पे भी मिलते हैं। इंटरनेट पे आ गए, एग्जैक्टली। तो रीडिंग मेरा ख्याल है अगर कोई थोड़ा सा कॉन्शियसली इसको यूज करे, क्योंकि हर चीज की अच्छाई और बुराई उसके अंदर ही पिनहा होती है। और डॉक्टर नाइला, कहा भी जाता है कि अगर जहाँ पर जिस माशरे में आर्ट ज्यादा होता है वहाँ पे मॉडर्निज्म ज्यादा हो जाता है, एक्सट्रीमिज्म जो है वो कम हो जाता है, इधर है ऐसा आपको लगता है? जी, आप अगर हमारे फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में जहाँ भी जाएं, गैली कॉलेजेस में जाएं, तो वो एक डिफरेंट ब्रीड होती है। वो कहते हैं यार ये बड़े सीधे लोग हैं, एग्रेसिव नहीं होते हैं, कहते हैं ना यूजुअली आर्टिस्ट अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, वो अपनी दुनिया में मगन से मुराद यही होती है कि उनको जो स्ट्रेंथ और जो उनको कामनेस मिलती है अपने काम से, क्रिएट करने से, वो चीज़ फिर जाहिर है कि सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करती है, वो उन्हीं की पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती है, एंड दिस इज हाउ दे बिहेव। So I think more people need to come into this. I think a lot of street art needs to be brought into it. जो हमारे बच्चे हैं जो सड़कों पे होते हैं, आई थिंक अ लॉट ऑफ हम लोगों ने कोशिश की थी यूनिवर्सिटी में इस तरह के करने की कि हम डे टाइम में जो बच्चे काम करते हैं उनको बुलाकर और रंग वगैरह देकर उनको आधा घंटा, चाहे वो 12 घंटे में से थोड़ी सी वो पेंटिंग की तरफ आ जाए, तो दे वर वेरी हैप्पी विद दैट। डॉक्टर नाइला, मुझे ये बताइएगा कि क्या आर्ट थेरेपी से ऑटिज्म के शिकार बच्चों का भी इलाज किया जा सकता है? मुनीबा, इलाज तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, क्योंकि ऑटिज्म आपको पता है एक कंडीशन है, वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक कंडीशन है ब्रेन की और उसमें एक स्पेक्ट्रम है। तो ऑटिज्म जो है वो बच्चों को, जो कलर थेरेपी है वो ऑटिज्म के लिए तो बहुत अच्छी है। अच्छा। उसमें अगर वो बच्चे जो बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करते, आई कोऑर्डिनेट अपना नहीं बनाते कलर्स के साथ, क्योंकि विजुअल परसेप्शन जो उनकी है वो बड़ी स्ट्रांग नहीं होती है, मगर जब वो पेंटिंग पे आते हैं तो दे रियली एंगेज विद देम एंड इट गिव्स देम अ वेरी स्टेबलिंग इफेक्ट ऑन देयर पर्सनालिटी। इसका मतलब हमें इस तरफ जाना चाहिए, डेफिनेटली हमें definitely. लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है रंग क्या होते हैं, उनकी पर्सनालिटी पर कितना डिपेंड करते हैं, और बिल्कुल जो लोग खास तौर पे ये फनून लतीफा से दूर हैं या लिबरल आर्ट्स में नहीं है, उनके लिए और भी ज्यादा जरूरी है कि वो पेंटिंग या इस तरह की चीजों में एंगेज हों, बिकॉज वो आपकी जो आपको पता है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन और राइट साइड ऑफ द ब्रेन, तो क्रिएटिविटी जो वाली जो ब्रेन है वो हम कम यूज करते हैं डे टू डे, उसमें हम लॉजिकल और प्रैक्टिकल थिंकिंग में ज्यादा चलते हैं, स्पेशली साइंसेज में। बिल्कुल ऐसे तो क्रिएटिविटी का जो आपका राइट साइड की ब्रेन आपकी काम करती है, तो दैट्स रियली मोर इंटरेस्टिंग, इट ब्रिंग्स आउट अ डिफरेंट पर्सनैलिटी इन यू। तो हम किस तरह ये इस आर्ट थेरेपी के हवाले से अवेयरनेस ज्यादा पहुंचा सकते हैं लोगों में? मीडिया, जैसे आप कर रही हैं अभी, इस तरह ही पहुंचा सकते हैं, क्या हुकूमती सतह पर नहीं कुछ करना चाहिए? जी, हुकूमती सतह पर अलमरा वगैरह कुछ करते रहते हैं, बट आई थिंक थोड़ी सी और ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ऐसे एरियाज में जाके करने की जरूरत है जहाँ पे बिल्कुल पेंटिंग का या कोई शौरी नहीं है, शौरी नहीं है, और वो उसको बिल्कुल यूजलेस चीज समझते हैं, जबकि आपको पता है कि सबसे फितरी चीज इंसान की जो केव आर्ट में भी थी वो तस्वीर बनानी थी, चाहे वो हंटिंग एनिमल्स थे या उनके जो बड़े थे सपोजिटली उनके प्रीस्ट थे या अब खुद को बनाते थे या वो जानवरों को बनाते थे, इवन उनकी सोशल गैदरिंग्स को भी उन्होंने बनाने की कोशिश की। तो कोई एक ऐसा अमल इंसान के अंदर डीएनए में मौजूद है ना, कि जब उस वक्त जब एक प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं थी तो तस्वीर बनाना तो बच्चा बच्चा जानता है, ऐसे वो कहते हैं एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, किसी के डीएनए में ये मौजूद है, लेकिन उसको एनहांस करना, उसको ढूंढना, वो कहते हैं देयर इज एन आर्टिस्ट अलाइव इन एवरी चाइल्ड, एग्जैक्टली द चैलेंज इज टू कीप इट अलाइव व्हेन ही ग्रोज अप। ठीक है जनाब, हमारे साथ डॉक्टर नाइला आमिर मौजूद थी, आर्टिस्ट थे, और हमें बता रही थी कि हमारी जिंदगी में रंगों का कितना अहम किरदार है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर नाइला, आपने हमें बड़े अच्छे टिप्स दिए हैं।